नमस्कार, हल्ला बोल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आज चर्चा होगी उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश की सियासत जो जो देख रहा है वो समझने की कोशिश कर रहा है कि भाई दोनों के बीच में चल क्या रहा है। एक दिन योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के बयान देते और उधर से तुरंत पलटवार आता है अखिलेश यादव का, और अखिलेश यादव ने तो ये भी कह दिया कि बता दो उन्होंने क्या कहा है, उस पर मैं फौरन जवाब भी दे दूंगा। ये 10 सीटों की लड़ाई है, 10 सीटों पर उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होना है। और एक कड़ी को समझिए, जब से फैजाबाद की सीट बीजेपी हारी है अवधेश प्रसाद के हाथों, तब से बीजेपी को लग रहा है कि जिस सीट को अवधेश प्रसाद ने छोड़ा है सांसद बनने का फैजाबाद के लिए, उस मिल्कीपुर सीट पर हरा कर हम समाजवादी पार्टी से लोकसभा चुनावों का बदला ले सकते हैं। सोचिए कि मिल्कीपुर सीट पर खुद योगी आदित्यनाथ मोर्चा संभाल रहे हैं, और एक के बाद एक, चाहे वो बुलडोजर की लड़ाई हो या फिर उसके बाद मठाधीशों की लड़ाई हो, माफिया हो, जो बदजुबानी दोनों तरफ से हो रही है, पहले आपको जल्दी से सुना देते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। तालियों के साथ स्वागत है खास मेहमानों का, शिवम त्यागी राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के, अभय दुबे जी राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, अनुराग भदौरिया जी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, और मलुक नागर साहब जनरल सेक्रेटरी आरएनडी के। लेकिन इससे पहले कि सवालों की शुरुआत करें, आइए आपको अपनी रिपोर्ट दिखा देते हैं। बबुआ 12 बजे सो के उड़ता था और प्रदेश की जनता पिसती थी। माफिया समानांतर सरकार चला करके अराजकता और गुंडागर्दी का एक और तांडव करते थे। माफियाओं के सामने नाक रगड़ने वाला व्यक्ति, दंगाइयों के सामने घुटना टेकने वाला व्यक्ति आज भारत की संत परंपरा को माफिया कहता है, ये उनके संस्कार है। मेरी भी तस्वीर देख लो आप और उनकी भी तस्वीर देख लो, माफिया कौन लगे ये बता दो। तो अयोध्या के दीपोत्सव से जिनको परेशानी होती थी उनको तो अब परेशानी होगी कि अयोध्या कैसे सुंदर हो गई है, क्योंकि इनको तो वो विवादित ढांचा प्यारा था जिसको राम भक्तों ने नेस्तनाबूत करने का काम कर दिया था। ये राम भक्तों पर गोली चलाते थे, राम भक्तों के खून से जिनके हाथ सने हुए हो। अयोध्या की चर्चा जब ये करते हैं तो बड़ा आश्चर्य होता है। मैं आपको बता रहा हूं कि बीजेपी की सरकार जब चली जाएगी और इस बार जाएगी चुनाव में, अयोध्या वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने का काम समाजवादी लोग करेंगे। इनके चचा जान जैसे थे, चचा जान थे इनके सबके। माफियाओं के सामने नाक रगड़ने वाला व्यक्ति, दंगाइयों के सामने घुटना टेकने वाला व्यक्ति आज भारत की संत परंपरा को माफिया कहता है, ये उनके संस्कार है, संस्कार है। और इसीलिए मैंने कहा ना, जैसे लगता है औरंगजेब की आत्मा इन लोगों के अंदर घुस गई है और फिर से इनको हिंदू विरोधी आचरण के लिए उनको फिर से प्रोत्साहित कर रही है। समाजवादियों ने और खासकर मैंने कभी किसी संत, किसी अपने महंत, किसी सन्यासी के बारे में कुछ नहीं कहा। अगर उनको लगता है कि वो शब्द ऐसा है जिसका भाव वो किस रूप में ले रहे हैं, तो हम तो ये कहेंगे कि हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं है, वो मठाधीश मुख्यमंत्री हैं। और फिर मठाधीश मुख्यमंत्री से उम्मीद भी क्या करोगे आप, इसी तरह की भाषा की उम्मीद करोगे? और ये एक दिन से नहीं हुआ है, जब से बीजेपी हारी है तब से कुछ संतुलन गड़बड़ा गया है। इन लोगों को जब भी जनता जनार्दन ने शक्ति दी है
तो इन्होंने उस शक्ति का दुरुपयोग किया है, वैसे ही जैसे किसी कालखंड में भस्मासुर ने किया था। आपकी ताकत से ही आपकी आस्था पर प्रहार, दुर्दांत तो माफिया और अपराधियों के सामने नाक रगड़ते थे और अपने संस्कार के अनुरूप धर्माचार्यों को ये माफिया बोलते हैं। देखिए, जितना हमने पढ़ा है या जितने यहां लोग बैठे हैं जिनको जानकारी होगी, उन्होंने कहा कि सपा और कांग्रेस भस्मासुर है। देखिए, भस्मासुर दोनों ही हो सकते हैं। बीजेपी अपने भस्मासुर को ढूंढ रही है। अभी देखिए, हरियाणा हारेंगे, महाराष्ट्र हारेंगे, जहां जहां चुनाव होंगे वहां बीजेपी हारेगी। कम से कम बीजेपी को अपना भस्मासुर तो ढूंढना चाहिए। तो आइए सवालों की शुरुआत करते हैं। और त्यागी जी, पहला प्रश्न आप ही से है, ये कौन है भस्मासुर, कौन है? वो कह रहे हैं दो नहीं हो सकते, एक ही हो सकता है। जिस पार्टी के नेता को इतनी सीटें लोकसभा में मिली, उनमें औरंगजेब की आत्मा घुस गई है। हाँ, हरकतें तो ऐसी ही हैं उनकी। मुझे लगता है किसी को बुरा भी नहीं मानना चाहिए इसमें। और जिस तरह के उनके कार्यक्रम रहे हैं, जिस तरह की उनकी चीजें रही हैं, जिस तरह की उनकी भाषा रही है, भाषा के मठाधीश और माफिया एक ही बात है, एक ही जैसे होते हैं, उसमें कोई फर्क नहीं होता। अगर कोई मठाधीश को इस तरह की बातें करता है तो मैं मानता हूं इस देश के सभी मठों का अपमान है, इस देश में सभी मठाधीशों का अपमान है, इस देश में मठों की जो स्थापना है उन करने वाले आदि शंकराचार्य का अपमान है। इस देश में हर एक मठाधीश और मठ ने इस देश के लिए क्या क्या काम किया है यह देश जानता है। लेकिन हम मठाधीशों पर अगर हम बुलडोजर चला रहे हैं यहां पर जितने भी माफिया हैं उन पर, तो इनको लगता है कि मठाधीशों को ही माफिया कह दो। मैं मानता हूं कि भाषा की शुरुआत इनसे है और इनके लिए बस वही चार लाइनें हैं कि तू गिरा तो ऐसा गिरा कि गिरते हुए ने गिरते हुए बोला कि इतना भी नहीं गिरना था भाई। इस देश में संतों को हम पूजते हैं, हम संतों का सम्मान करते हैं, संतों को मानते हैं। अभी मैं एक छोटा सा एग्जांपल और देता हूं। आपको याद होगा इस देश में अविमुक्तेश्वरानंद जो शंकराचार्य हैं, उन्होंने इस देश के प्रधानमंत्री को लेकर कई बार काफी सारी टिप्पणी की है। लेकिन जब इसी देश में मेरे देश के प्रधानमंत्री उन्हीं अविमुक्तेश्वरानंद से मिलते हैं तो उनके पैर छूते हैं। होता है भाई, वो गुरु हैं हमारे, सम्मानित हैं, उनके बारे में कोई कुछ भी कहता है या वो कुछ भी कहते हैं तो पलट कर हम उनको गालियां नहीं देते। तो अगर कोई मठाधीश किसी राज्य का, किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री है तो आप उनको माफिया नहीं कह सकते। चलिए आते हैं आपके पास अनुराग जी, उन्होंने खुद ही बहुत संक्षेप में अपनी बात कही, उम्मीद करते हैं कि आप भी कहीं पर पूर्ण विराम लगाएंगे अपनी बात में। ये देखिए, आज ही का उनका पोस्ट है अखिलेश बाबू का, योगी मठाधीश सीएम है, फोटो में माफिया कौन लगता है, मैं या सीएम, भाषा से पहचानिए, असली संत महंत साधु वेश में घूमते जग में धूर्त अनंत। धूर्त जैसे शब्द का इस्तेमाल करने की जरूरत है क्या? सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी जब से सत्ता में आई है इस देश के अंदर में, वो भाषा की मर्यादा खो गई है। किसने ये शुरुआत की? कहते ना, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल लगे आपों शीतल होए। तो कम से कम वाणी तो अच्छी बोलनी चाहिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को। किस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, अपने ही देश के लोग हैं, अपना ही खून है, उन्हें आप संबोधित कर रहे हैं औरंगजेब की आत्मा घुस गई है, उनसे कह रहे हो कि आप बबुआ बताइए, आप ये भाषा है तो मुख्यमंत्री बराबर की बात है। आप मुख्यमंत्री तो देखिए, मैं बीच में बोला, देखिए आप बीच में बोलने की परंपरा है तो बताइए, फिर मैं बोलूंगा, फिर बोलिए बीच में परंपरा है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति और संस्कार, हमने इनकी बात को सुना, जब हमने बोलना शुरू किया इनके पेट में दर्द शुरू हो जाता है। ये दिक्कत है भारतीय जनता पार्टी के साथ। भारतीय जनता पार्टी को यह समझ में आना चाहिए कि आपकी भाषा शैली कैसी है, आप किस तरह की भाषा शैली का इस्तेमाल कर रहे हो एक पूर्व मुख्यमंत्री के लिए, और आप खुद मुख्यमंत्री हैं तो आपकी भाषा होनी चाहिए जनता के भले के लिए। तो आप भाषा का इस्तेमाल कर रहे हो पूर्व मुख्यमंत्री के बारे में कहने के लिए कि वो 12 बजे उठते हैं, जैसे लगता है कि बाहर दरवाजे पे सब बैठे रहते थे, कब उठ रहे हैं जरा हम देखें कितने बजे उठे हैं। इसके मतलब जो 12 बजे खुद उठते हैं उनको दूसरों का 12 बजे उठा हुआ दिखाई पड़ता है। जैसे जितने बजे आप उठोगे उतने बजे आपको दुनिया उठी नजर आएगी, जितनी देर तक आप सोते रहोगे उतनी देर तक आप लोगों का दुनिया सो रही है। सवाल यह है भारतीय जनता पार्टी के साथ दिक्कत ये हो गई है कि वो समाज के ताने बाने को जो तोड़ना चाहती है, वो सोचती है कि देखिए आप 33 सीट पे सिमटे हो, किसने आपको दिया है? जनता ने 33 सीटें दी उत्तर प्रदेश में आपको, हमें 43 सीटें दी, क्यों दी? क्योंकि हम जनता की बात कर रहे थे। आप विकास की बात करो ना मंच पे खड़े होके, आप भले की बात करो ना, किसी की उन्नति की बात करो ना, आप बात करो ना किस तरह से अत्याचार आपकी सरकार में बढ़ा हुआ है, किस तरह से यहां क्या इनकाउंटर करके आप देश के अंदर में नहीं उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था ठीक करना चाहते हो? क्या बुलडोजर चला के कानून व्यवस्था ठीक करना चाहते हो? अगर बुलडोजर ज्यादा चल रहा है तो इसके मतलब आपके यहां अवैध निर्माण हो रहा है, अगर इनकाउंटर ज्यादा हो रहा है तो इसके मतलब आपके यहां चोर डकैत पैदा हो रहे हैं, इसके बारे में आप सोचोगे नहीं तो कौन सोचेगा?
आपकी आप अपनी कमजोरी को छिपाने के लिए आप दूसरों के ऊपर उंगली उठाते हो, सत्ता आपकी है, सरकार आपकी है, पुलिस आपकी है, और आपके सत्ता और सरकार में इस तरह का अन्याय हो रहा है लोगों के ऊपर में, और आप आरोप किस पे लगाओगे? पिछले की सरकार पे। इसके मतलब आपने अपने ऊपर आप कोई आरोप लेना नहीं चाहते। तो मेरा तो सीधा सा मानना है अंजना जी, भारतीय जनता पार्टी रास्ता भटक एनकाउंटर में आप धर्म क्यों देखने लगते हैं, जाति क्यों देखने लगते हैं? वो कह रहे हैं कि उसमें भी जाति खोजते हैं। ये मेरे सवाल का जवाब तो मिलेगा नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको। ये बताइए, अगर आप सुल्तानपुर देखते हैं कि मंगेश यादव को मारा गया, बोल तो रहा हूँ सुल्तानपुर में घटना हुई। सुल्तानपुर की घटना में एक जो मुख्य आरोपी जिसमें कई सारे गंभीर मुकदमे हैं, FIR है, उसको आप सरेंडर करवाते हो, वो सरेंडर करता है। ये एक 20 साल का लड़का, चूंकि मंगेश यादव है, पहली बार उसको उसके ऊपर उसे मुकदमे भी नहीं, आपने दो दिन पहले आधी रात को उस पर 1,00,000 का इनाम घोषित कर दिया। और आपने माफियाओं के घर देखे होंगे, आलीशान घर होते हैं, संगमरमर के घर, आलीशान कोठी बनी हुई, 500 गाड़ियां खड़ी रहती हैं, और आपने रास्ते में चलते हुए उन माफियाओं को देखा होगा कैसे मर्सिडीज उनके यहां चलती। मैं बता रहा हूं, मंगेश यादव का घर कितना बड़ा था, एक झोपड़ी जिसमें खाने को बर्तन नहीं, उसको आप बता रहे हो देश का सबसे बड़ा माफिया का घर एनकाउंटर कर दे रहे हो। ये अन्याय नहीं है तो क्या बताइए? ये अन्याय नहीं है तो क्या है? अच्छा एक चीज बताइए, कितने लोग सहमत हैं कि माफिया और जो गैंगस्टर्स होते हैं और बलात्कारी, जरूरी है कि उनका घर कोई बिल्कुल 5-स्टार जैसा ही होगा? गरीब गैंगस्टर नहीं हो सकता क्या? अच्छा गरीब गैंगस्टर नहीं हो सकता क्या? बताइए गरीब गैंगस्टर अतीक अहमद का अभी एग्जांपल दे रहा हूं। रुकिए अतीक अहमद को जिसने गोली मारी, गरीब गैंगस्टर आप लोगों ने बारी बारी, ये गरीब गैंगस्टर प्लीज रुक जाइए, बीजेपी रुक जाइए, प्लीज रुक जाइए, रुक जाइए, दो बार रोटी नहीं खा पाता, अच्छी बताइए उसको गैंगस्टर बताओगे? अतीक अहमद को गरीब गैंगस्टर गोली मारी, दो कमरे भी नहीं है, वो गैंगस्टर है कि नहीं है? वो गैंगस्टर है कि नहीं है? हाँ हाँ नहीं बोलो, जल्दी बोलो, नहीं बताओ क्या है? अतीक अहमद को जिसने गोली मारी वो गैंगस्टर है कि नहीं? इसके मतलब गैंगस्टर है कि नहीं? यानी कि गरीब से मतलब नहीं होता, कोई किसी गोली मारे, बलात्कार का मतलब गरीब से नहीं होता, किसी के घर में कोई उत्तर प्रदेश में हालत हो गई है, मतलब कोई किसी को गोली मारे। अरे बीच में मत बोलिए प्रभु प्लीज, अरे इनको फुल स्टॉप ला के देना कोई। अरे सवाल पूछ रहे तो मैं क्या करूं, आपकी तरफ देख के बोले ना, मत रुक जाइए ना सर, वो देख रहे हैं कि उनकी बारी कब आएगी। अच्छा किधर देख रहे हैं? पूछिए, आप सिर्फ मुझे देख रहे हैं, आप भी मुझे, आपको देख रहा हूँ, ये मुझे देख रहे हैं, दिक्कत ये तो मुझे जवाब देना पड़ रहा है। थैंक यू। देखिए एक विशेष बात साफ है, यहां पर जिस तरह की चीजें हैं, जिस तरीके से बात बोल रहे हैं, इन्होंने सिर्फ गैंगस्टर्स में ही जाति नहीं ढूंढी है, इनकी प्रॉब्लम यह है कि इनको हर जगह जाति दिखाई देती है। ये मुख्यमंत्री की भी जाति ढूंढ लेंगे, ये गैंगस्टर्स की भी जाति ढूंढ लेंगे, ये बलात्कारी की भी जाति ढूंढ लेंगे, अभी तो फिलहाल उन्होंने एसटीएफ की भी जाति ढूंढ ली। वो एसटीएफ को कहते हैं कि एक स्पेशल टास्क फोर्स है जो विशेष जाति से है, जबकि वहां पर ओबीसी भी है, एससी भी है, एसटी भी है, लेकिन प्रॉब्लम है इनकी। मैं मानता हूं कि जाति से निकलने की इनको आवश्यकता है, और जहां तक बात उत्तर प्रदेश की है, उत्तर प्रदेश में विशेष कोई ऐसी स्थिति बनी ही नहीं है कि जहां जाति को देखकर किसी का एनकाउंटर हो रहा है, किसी को मारा जा रहा है, किसी को काटा जा रहा है, बिल्कुल नहीं। लेकिन जाति के आधार पर हम किसी को छोड़ने वाले भी नहीं है, और चाहे वो कोई भी हो सकता है कि अनुराग भदौरिया और इनके नेताजी आजकल मानसिक स्थिति से ऐसी गुजर रहे हैं जहां पर हर जगह उनको जाति नजर आ जाती है, मुख्यमंत्री की, बलात्कारी की, आतंकवादी की, लेकिन हमारे लिए कोई जाति नहीं है। माइक बंद कीजिए। देखिए अभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कह रहे थे चाचा जान। अच्छा बताइए, अगर मेरे चाचा है, मेरी बुआ है, मेरे मौसा है, मेरे मामा है, मेरा भाई है, तो क्या मेरा गुनाह होता है क्या इस देश के अंदर में? चाचा होना गुनाह है क्या? चाचा होना गुनाह है क्या? अगर मेरा चाचा है, अंजना जी, अंजना जी, अगर परिवार होना गुनाह है तो बताइए आप लोग का परिवार नहीं है क्या? परिवार होना गुनाह होता है क्या? भाई होना गुनाह, चाचा होना गुनाह, बुआ होना गुनाह, मामा होना गुनाह, कमाल की बात करते हैं ये लोग, परिवार में भेदभाव लगा रहे हैं। दुबे जी मोर्चा संभालिए जल्दी से। देखिए ये जो लड़ाई चल रही है आप लोग भी बगल में होकर देख रहे हैं, लेकिन दोनों तरफ से मर्यादित भाषा है। क्या भेड़िया जैसे शब्द का इस्तेमाल करना अखिलेश बाबू की तरफ से, धूर्त जैसा साधु संतों के साथ, क्यों साधु संतों पर, क्यों आप एक आदमी है उस पर हमला कीजिए? नहीं देखिए, आचार हीनम न पुनन्ति वेद, वेदों में कहा गया है कि जो आचरणहीन है उसको वेद भी पुनित नहीं कर सकते। भाषा की मर्यादा तो होनी चाहिए, मगर कहां लगी है आप? ये झगड़ा है ही नहीं अखिलेश जी और आदित्यनाथ जी में, नहीं है ये विवाद, ये विवाद है मोदी जी और आदित्यनाथ जी में, ये विवाद है केशव प्रसाद मौर्य और आदित्यनाथ जी में, क्योंकि 44 सीट हार गए मोदी जी और आदित्यनाथ जी। मोदी जी को शक होता है कि आदित्यनाथ जी ने चुनाव हरा दिया, और आदित्यनाथ जी को शक हर दिन होता है, रोज सुबह उठते हैं और लगता है कुर्सी गई। अब ये 10 सीटें स्टेक पर है, ये 10 सीटें नहीं है, आदित्यनाथ जी की कुर्सी स्टेक पर लगी है। इन 10 उपचुनाव में कमेटी गठित की आदित्यनाथ जी ने, बताइए केशव प्रसाद मौर्य के किन लोगों को लिया? वहां बड़ी बड़ी सुर्खियां बनती है कि इस गुट को दरकिनार कर दिया गया। तो ये लड़ाई सत्ता की भूख की है। बात रही जो
माफियाओं और गुंडों पर आज भारतीय जनता पार्टी ने एक नई परिभाषा दे दी। मैं हतप्रभ था सुनकर, उन्होंने गरीबों को गैंगस्टर परिभाषित कर दिया। अरे साहब, देश के गरीब होना जुर्म हो गया प्रधानमंत्री जी, जो भारतीय जनता पार्टी उन्हें गैंगस्टर बना रही है, और एक मुसलमान आदमी का नाम लिया कि देखिए उसको एनकाउंटर करने वाला गैंगस्टर, गैंगस्टर। उसके पहले तो उस पर कोई अपराध भी नहीं था, गैंगस्टर तो दूर, वो एक कहानी अलग है। मैं पूछना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश को ऐसा राज्य बना दिया आदित्यनाथ जी आपने कि किसान अगर फसलों के समर्थन मूल्य की मांग करे तो आपके संविधान की शपथ खाने वाले मंत्री का पुत्र जिस पर आरोप लगे कि वो गाड़ी चढ़ा देगा, उनको निर्ममता से मार देगा, वहां लहू लुहान आप किसानों को कर देंगे। क्या हाल कर दिया उत्तर प्रदेश का आपने, देखी तो सही, उत्तर प्रदेश की बेटियां महफूज है, कहते हैं कि 9000 मुठभेड़ हुई 7 साल में, 9000, मैंने अनुमान लगाया एवरेज 4, मतलब आज भी 4 अपराधी ऐसे जो गोलीबारी कर रहे हैं, तो फिर ये अपराध खत्म कहां हुआ आपसे? एकमात्र राज्य है पूरे देश में जहां महिलाओं पर सबसे ज्यादा एसिड अटैक होते, किसी दूसरे प्रांत में नहीं होते। और मैं नहीं कह रहा हूं, ये सर्टिफिकेट अमित शाह साहब दे रहे हैं, 79,000 बेटियों का अपहरण हुआ है आदित्यनाथ जी आपकी सत्ता की सरपरस्ती में, 21,455 बलात्कार, 2,88,000 बेटियां अपराधियों का शिकार हुई। नींद कैसे आती है आपको मुख्यमंत्री जी? आप बताइए, जब आपके एक नेता पर आरोप लगते हैं, हमारी गोल्ड मेडलिस्ट बेटियां आरोप लगाती है, उसको दंड देने की अपेक्षा ब्रजभूषण शरण सिंह को, हमारी बेटियों को दिल्ली के दरवाजे पर तड़पा तड़पा कर मानते, तो फिर क्यों तुमको ये जनता जिता दे? हेल्थ इंडेक्स नीति आयोग की रिपोर्ट बताती है आदित्यनाथ जी का राज्य उनकी सत्ता की सरपरस्ती में सबसे पीछे, हेल्थ इंडेक्स में सबसे नीचे कोई राज्य है तो वो है। 28 जिले ऐसे हैं जो गरीबी रेखा के नीचे जीने के लिए मजबूर है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, नीति आयोग की रिपोर्ट। मलुक नागर साहब, क्या ढिशुम ढिशुम करते रहो 10 सीटों के उपचुनाव के लिए, असल मुद्दों से दूर होती जा रही है सरकार यूपी की? देखिए अंजना जी, अगर पार्लियामेंट की व्यवस्था देखें या देश के सब प्रदेशों की विधानसभाओं की व्यवस्था देखें, दो पक्ष होते हैं, एक सरकार और एक विपक्ष। और सरकार में रह के जितना भी कोई अच्छा काम कर ले, हमेशा अमेंडमेंट आते हैं बिलों में और ये काम इससे बेहतर हो सकता है, उस पर चर्चा होती है। तो आज देश में और प्रदेशों में और खास करके यूपी की जो चर्चा चल रही है, जितने भी काम हो रहे हैं, अगर उनमें लिस्ट निकाल करके विपक्ष के लोग और उनमें उजगार करें कि पिछली सरकारों ने ये अच्छे काम करे, ये सरकार ये कमी है, ये कमी है, ये कमी है, ये कमी है, उसको छोड़ के एक ऐसी चर्चा हो रही है जो पूरे विश्व में, जहां हमारे देश का और देश के सबसे बड़े प्रदेश का उत्तर प्रदेश में कि ऐसी छवि बनती जा रही है, ये हो क्या रहा है? कुछ का कुछ चर्चाएं हो रही है, किसानों पर चर्चाएं नहीं, बेरोजगारी पर चर्चाएं नहीं, नौजवानों पे हमने पिछली सरकारों में ये करा, ये सरकार ये गलत, ये कमियां रह गई हैं, इसको ऐसे इंप्रूव करा जा सकता नहीं, केवल मात्र ऐसी चीजें लाई जा रही हैं कि किसी भी तरह मीडिया का ध्यान खींचा जाए और वो चर्चा का विषय बने और देश हित और प्रदेश हित में जो काम होना चाहिए सरकार तो मैक्सिमम कर रही है, तो विपक्ष का जो काम है कि उनमें कमियां निकाल करके आगे ला करके बताए। आप आ जाइए और आप आ जाइए, चार लोग सिर्फ जल्दी 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 पूछे, आप पूछे, क्या है आपका प्रश्न? सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि बीजेपी प्रवक्ता से कि वो कांग्रेस को कह रहे हैं कि वो जाति के नाम पे पॉलिटिक्स करते हैं, पर आप खुद धर्म के नाम पे पॉलिटिक्स करते हैं, जैसे कि आपने वोट लेने के लिए अयोध्या राम मंदिर का इस्तेमाल करा, तो आप कांग्रेस को कैसे कह सकते हैं कि सिर्फ वही जाति? जवाब दीजिए। नहीं, मुझे लगता है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का और उनके मंदिर का कोई इस्तेमाल कर ही नहीं सकता, वो हमारी आस्था का विषय था, आज है, अब से 500 साल पहले था और अब से 500 साल बाद रहेगा, वो वोट में पिरोकर ये सब लोग देख रहे हैं, वो हमारे आराध्य हैं, हम उनको पूजते हैं, हम उनकी पूजा करते हैं, मुझे लगता है उसमें कोई राजनीति नहीं है। लेकिन हाँ, अगर उससे कोई प्रभावित होता है तो इसमें कोई इतना परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, इनको प्रभावित होना चाहिए। छोटे छोटे सवाल ले, रुक जाइए, जल्दी से, इनको हरा दिया। मेरा सवाल सर से है कि सर, आप हर बार इस पर्चे को लेके आते हैं कि इतनी इतनी चीजें आई, कभी आप सॉल्यूशन के साथ क्यों नहीं आते विपक्ष होने के नाते? है ही नहीं। जब आप सरकार में थे तब भी सॉल्यूशन नहीं था, अब है, आप भी सॉल्यूशन नहीं है। सर, दूसरी बात आपने कहा कि गरीब को गैंगस्टर बता दिया। सर, ये गरीब जब गैंगस्टर बनता है ना, जब उसको शह दी जाती तब वो अमीर बनता है। स्टार्टिंग वो गरीब से ही करता है, इसका मतलब ये नहीं सभी गरीबों को ये गैंगस्टर बोल दिया। अच्छा, ये अच्छा कि आपने सवाल मुझसे पूछा, सरकार से नहीं पूछा, जवाब उनके पास है। बाप रे, क्या करती है आप, नाम क्या है? मैम, मैं पीजी कर रही हूँ जर्नलिज्म में। अच्छा, आपको बीजेपी की एजेंट लग रही होंगी? मैंने नहीं कहा, अभी आपने बोला ना। अधिकार, मैंने कहा कि मुझसे किया सर, सवाल है, पूछने तो दीजिए ना। मैंने कहा सरकार के पास जवाब नहीं है, अच्छा हुआ मुझसे पूछा, ये बात कही मैंने। बोलिए, हर सवाल का स्वागत। छोटा छोटा जवाब जल्दी से देखिए, ये जो
मर्यादा पुरुषोत्तम राम की बात की, जासू राजप्रिय प्रजा दुखारी सो इन पवसी नरक अधिकारी। राम जी कहते हैं कि उस राजा को नरक का अधिकारी बना देता हूं जिसके राज में प्रजा को दुख भोगना पड़े। ये अयोध्या मर्यादा पुरुषोत्तम राम की बात करते हैं, आरोप लगाते थे कि सरयू को रक्त रंजित कर दिया, राम के भक्तों पर गोलियां चलाई भारतीय जनता पार्टी। आज जानते हैं राम सवाल क्या था, ट्रस्ट का सिलेबस कुछ और था, क्वेश्चन कुछ और था, आंसर कुछ और है। मेरा मेरी बात सुनिए गैंगस्टर, मैंने कहा कि इतना बड़ा आरोप गरीबों पर लगा दिया गैंगस्टर कि गैंगस्टर गरीब होते हैं। दूसरी चीज मैं आखिरी बात कहना चाहता हूं जो लोगों को जानना चाहिए, नपेंद्र मिश्र राम मंदिर की समिति के प्रमुख हैं जिन पर भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाती थी कि उन्होंने सरयू को रक्त रंजित कर दिया, इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना चाहिए। जल्दी से सर, मेरा सवाल आपसे है, मैं जानना चाहता हूँ कि विनेश फोगाट कांग्रेस ने कांग्रेस को ज्वाइन किया है, सर क्या जरूरी है किसी को जस्टिस चाहिए तो वो मतलब किसी पार्टी को ही ज्वाइन करेंगी? उनको जस्टिस तो वैसे भी मिल सकता था बट उन्होंने पार्टी ही ज्वाइन क्यों की सर? तो क्या बात, ये प्रजातांत्रिक अधिकार है। और बहुत अच्छा प्रश्न किया, आपके प्रश्न के लिए साधुवाद। प्रधानमंत्री जी को चाहिए था कि न्याय दे देते उन पहलवानों को, वो तो आई थी दिल्ली के दरवाजे पर और प्रधानमंत्री जी तो पहले नाम से पुकारते थे, नाम लेना तक नहीं उचित समझा, तो उनको लगा कि प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी जिस भाषा में समझती है उसी में जवाब देना होगा, मैं राजनीति में परास्त करके दिखाऊंगी और ये संदेश समाज में दूंगी कि मेरे साथ न्याय नहीं किया, मैं खुद न्याय देने के। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, जैसा कि आपने अभी कहा कि एनकाउंटर हो रहा है, क्राइम हो रहे हैं तो लोग इन चीजों में ज्यादा बढ़ रहे हैं, बट ऐसा तो नहीं है कोई भी पार्टी हो कोई भी हो, क्या हम आत्मा कोई भी आम व्यक्ति से कह सकते हैं कि आप ऐसा करें? मैं भी खुद यूपी से बिलोंग करती हूँ, मैंने देखा है कि ये बहुत कम हो गया। पहले मेरे गाजियाबाद में अगर 9 बजे भी लड़की जाती थी तो उसके साथ उसके पेरेंट्स जाते थे, आज लड़कियां 2-2 बजे भी जॉब करके अपने घर पे सेफ आ रही हैं। आज हालत ये है कि योगी जी ने अभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने स्मार्टफोन बांटा था, बांट के गए नहीं थे, स्मार्टफोन लेके निकला बाहर तो लूट लिया गया। अब बताइए नीले थोड़ी देर नहीं हुई और लूट गया, मेरी बात सुनो मैं अभी किसी भी। दूसरी बात, जितना अत्याचार महिलाओं के ऊपर बढ़ा है ये योगी सरकार में, बीजेपी की सरकार में, इसके पहले उत्तर प्रदेश में कभी नहीं था। लगातार महिलाओं की रोज घटनाएं आती हैं कि आज यहाँ मैं कितनी घटनाएं गिना दूं, चाहे एम्बुलेंस की घटना ले दें चाहे लखनऊ की घटना ले लें। उनका एक्सपीरियंस कुछ और था। जल्दी मेरा सवाल त्यागी सर से है कि अभी बीएचयू आईटी बीएचयू में एक रेप की घटना सामने आई, बोलने वाला हूँ उसमें जो लड़का था वो सर बीजेपी आईटी सेल का था, अगर बच्ची का जवाब यही है ये बीजेपी आईटी सेल वाले, आप बोल लीजिए या ये बोले या मैं चली जाती हूँ सर। सवाल हो गया उनका, समझ में आ गया। नहीं, उनको बोलने दीजिए, जैसे आपको बोलने का शौक है बाकियों को भी है, उनको अभी पूरा हो जाए प्लीज सर। तो आईआईटी बीएचयू में जो लड़का था वो बीजेपी आईटी सेल का है और अभी वो बरी घूम रहा है, जब पार्टी में ऐसे लोग हैं तो वो देश को और प्रदेश को कैसे सुरक्षित करेंगे? पहली बात तो बहुत बढ़िया, ये तालियां बजा रहे हैं फिर से, बिल्कुल बढ़िया। पहली बात तो वो बरी नहीं हुआ, ये बिल्कुल झूठ बात है। और दूसरी बात ये है कि जहां तक इन्होंने लगातार इस चीज की, हम तो इस चीज की वकालत नहीं करते, हम कहते हैं कि कोई भी बलात्कारी हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी पार्टी का हो, उसको जेल में होना ही चाहिए। लेकिन इससे जो बलात्कारी है उसको चुनाव लगाना, कश्मीर से चुनाव लगाना है, बलात्कारी जो है नेता की तरह का उत्तर प्रदेश का, लेकिन उसी बलात्कारी को लेकर चुनाव लड़ा रहे हैं। बुलडोजर चलाया, बिल्कुल चलना चाहिए। मैं कहता हूं अवैध निर्माण पर बुलडोजर आपने बनाया हुआ है, मेरे ख्याल बुलडोजर चला नहीं, नहीं अगर बुलडोजर चला अवैध निर्माण बनाया हुआ तो ही बुलडोजर चलेगा ना, बुलडोजर अवैध निर्माण पर चलता है। ठीक है, ठीक। सर मेरा सवाल आपसे है कि हमने देखा है कि 2024 इलेक्शन के बाद योगी जी के ऐसे बयान बहुत ज्यादा आ रहे हैं, तो क्या ये सारी कवायद अपने आप को देश में सबसे बड़ा हिंदू नेता स्थापित करने की है ताकि 2029 में अमित शाह से बेहतर कैंडिडेट हो जाएं प्रधानमंत्री के? एक बार वो सीएम बन गए तो संत वाली आइडेंटिटी को इतना एसर्ट करने की क्या जरूरत है? मैं मानता हूं क्योंकि वो संत है, अब अगर कोई संत है तो वो संत ही रहेगा। अगर अंजना जी कल राजनीति में आ जाए, अगर आ जाए तो मैं मानता हूं उनकी दोनों ही पर्सनैलिटी बराबर चलेंगे, लोग आपको पत्रकार के तौर पर भी याद रखेंगे और नेता के तौर पर भी। तो अगर कोई संत है, अगर रीति रिवाज के साथ वो इस हिंदू आस्था में विश्वास रखते हैं, अगर वो भगवा पहनते हैं, अगर उन्होंने अपना जो जीवन है वो एक संत के तौर पर जिया है और जी रहे हैं, तो मुझे लगता है कि उसके प्रति सम्मान होना, उस टोले के प्रति सम्मान होना, उस आइडेंटिटी के प्रति सम्मान होना। एक बार मुख्यमंत्री बन गए तो उनको सवालों के जवाब देने होंगे ना, हर बार ये नहीं कह सकते कि मैं संत हूँ मुझ पर हमला मत करो। अरे वो सीएम है, वो पॉलिटिकल आदमी है। नहीं नहीं, अगर मैं पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लूं तो फिर वो जर्नलिस्ट वाला हमला कोई मुझ पर नहीं कर सकता, और कर भी सकता है क्योंकि मैं फिर मेरी वो आइडेंटिटी खत्म हो जाएगी। अंजना जी जितनी बार आपने उनसे सवाल, इनकी पार्टी में तो इतने सारे, किसको किसको भरा है सर आपने? सुप्रिया श्रीनेत और कौन कौन है सर?
किसको क्या भरा है? आपने बहुत सारे एक्स जर्नलिस्ट को अपनी पार्टी में लिया है। हाँ, वो तो सभी विधायक के लोग प्रजातंत्र। तो जर्नलिज्म में क्यों फिर आप उन पे हमला करेंगे? वो बोले नहीं मैं जर्नलिस्ट हूँ, मुझ पे हमला मत करो। अब तो वो पॉलिटिकल हो गई ना। आपको ऐसे जर्नलिस्टों से अपना कंपैरिजन कम से कम नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहता योगी आदित्यनाथ जी ने, आपने भी मुझे लगता है उनके काफी सारे इंटरव्यूज किए, इसका जवाब दे दूं, एक एक सवाल का जवाब मिला है आज तक। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो एक एक सवाल का जवाब मिलता है। जब उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था, कानून व्यवस्था, महिलाओं से संबंधित किसी भी सवाल पर अगर उनसे कुछ भी बात पूछी जाती है तो वो हमेशा जवाब देते हैं। लेकिन जब आप आइडेंटिटी पर बात करते हैं, मैं एग्जांपल देता हूं, इस देश में बहुत सारे, और मैं सब धर्मों का सम्मान करता हूं, लेकिन जब वो मेरे देश में माफिया कह देते हैं मठाधीश को, इनकी हैसियत और इनकी औकात है कि किसी मौलाना को कह दे माफिया? उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री जी बने हैं, अब बोलेंगे कि उनसे सवाल मत पूछो, बोलेंगे बटोगे तो कटोगे, या क्या मुख्यमंत्री की भाषा होती है? बताइए, ठोक देंगे मुख्यमंत्री की भाषा होगी क्या? बताइए आप, औरंगजेब की आत्मा घुस गई मुख्यमंत्री की भाषा होगी क्या? ये मुख्यमंत्री की भाषा होगी? मुख्यमंत्री की भाषा होगी कैसे समझावना, कैसे हम एकता बनाएं, कैसे नफरत समाज के अंदर कम हो, कैसे हम उत्तर प्रदेश को एक रखें, कैसे लोगों में माफियाओं को थोड़ी एक रखना है? नहीं, आपकी माफियाओं को थोड़ी एक रखना है? माफिया की कौन बात कर रहा है? माफिया के लिए बोला गया सवाल माफिया पर था? नहीं, माफिया, अरे अच्छा सवाल नहीं पूछा। अच्छा पूछिए, माफिया की बात ये करेंगे क्या? अतीक अहमद वो पूछे थे माफिया है? मैं इनसे पूछ रहा हूँ कि पहलवान बेटियों को रोड पे घसीटा गया तब इनकी बात नहीं, तब क्या हुआ था? पहलवान बेटियों को रोड पे घसीटा गया किस पार्टी के थे, बताइए आप? जवाब इनके पास नहीं होगा। भी पूछे जवाब, मैं इनसे पूछ रहा हूँ ना, आपसे ही पूछ रहा हूँ, आपसे पूछ रहा हूँ। माफिया पे जवाब दीजिए ना, वो कह रहे थे कि अन्य धर्मों के लोगों को माफिया कहना या धूर्त कहने की आप में हिम्मत है, ये प्रश्न था। किसके किसको माफिया? अरे जो माफिया उसको माफिया कहा जाएगा? अतीक अहमद, तो अतीक अहमद था, उसको अतीक अहमद को उसके पास केसेस थे तो सबने माना, किसने नहीं माना? लेकिन भारतीय जनता पार्टी सिर्फ उस बात की राजनीति करेगी, ठीक नहीं है। ये राजनीति करना चाहते हैं, ये सिर्फ धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं। सुनिए, एक व्यक्ति को, नहीं नहीं, एक व्यक्ति को मरे हुए कितने दिन हो गए और उसको लेके सुबह शाम गाते रहते, लेकिन आज की घटना को क्या है? माफिया था भाई, माफिया इसने बोला, माफिया नहीं था, माफिया था। रुक जाओ, बारी बारी से मलूक साहब, आपको तो मुस्लिम का भी वोट चाहिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, पूरे ऐसी भाषा ठीक है? पूरे देश में 80% लोग देश के किसान और उससे जुड़े हुए लोग हैं, और समाजवादी पार्टी की जो शुरुआत हुई माननीय मुलायम सिंह जी की, वो चौधरी चरण सिंह जी की आशीर्वाद से हुई। तो क्या जिस तरह की भाषा, जिस तरह की बात कांग्रेस के लोग और उनके साथी यहाँ बोल रहे हैं, क्या उनके पास कोई ऐसा प्रपोजल है कि भाई सरकार में, उत्तर प्रदेश में भी सरकार है, देश में भी एनडीए की सरकार है, किसानों के लिए ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, करना है, उसके बजाय कुछ की कुछ भाषा बोल रहे हैं, कुछ की कुछ भाषा बोल रहे हैं, पता नहीं क्या बात बात कह रहे हैं कि आप संत मलूक नागर बन रहे हैं। अगर कांग्रेस के बीच, अगर कांग्रेस के लोग अब मलूक नागर को संत कह रहे हैं, तो कम से कम इनकी बुद्धि ऐसी हुई कि संतों की इज्जत करने लगे, कम से कम बुद्धि मलूक हुई इनकी ऐसी। हम लोग सब बाहर चलते हैं, बात कर लो, एकदम चिल्लाना शुरू कर देते हैं, हम लोग चलते हैं बाहर, बोलो चले, ये जो इनका एक्सटेंडेड परिवार खत्म करने देते हैं, हम लोग बाहर चलते हैं, आप लोग लड़िए, अपना पकड़ लिया तो छटपटाने लगे, वापस छटपटाने लगे। अभय दुबे जी, देखिए, संतो और महंत सद्भाव का प्रतीक होते हैं, सामाजिक सौहार्द का। चलो, मजबूरी में संतों पे बात तो करने लगे। हमारे संत जो हैं, हमारे संत मजबूरी हो सकती है भारतीय जनता पार्टी, हमने पूछा हिंदुस्तान के संत वो मुख्यमंत्री संत से, हमारे पूछा तुम्हारी भी मजबूरी है, इसीलिए चुनाव के समय में राहुल गांधी के मंदिर में जाके, हमने हमारे संत मुख्यमंत्री से पूछा कि साहब ये 60 लाख जो भर्ती परीक्षा का घोटाला हुआ, वो कांस्टेबल भर्ती का, उसका बुलडोजर नहीं चला,
और वो आदमी अमेरिका में जाकर आपने आपकी सत्ता की सरपरस्ती में भगा दिया, उसके बुलडोजर नहीं चला, तो हमारे संत मुख्यमंत्री आते हैं 80-20 80-20 होगा। जिन्ना की तस्वीर फिर आ गई, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में 7 साल से जब से मुख्यमंत्री है जब से चिल्लाते हैं कि जिन्ना की तस्वीर हटा देंगे उधर से निकलते वक्त, आज भी वही टंगी है, लेकिन वो चर्चा में है जिन्ना की तस्वीर। जब युवा कहते हैं कि साहब रोजगार के अवसर कब मिलेंगे, तब मुख्यमंत्री जी कहते हैं और प्रधानमंत्री जी कहते हैं मांस मछली मटन मंगलसूत्र पर बात कीजिए, शमशान कब्रिस्तान पर बात कीजिए, ये व्यर्थ के प्रश्न करना बंद कर दीजिए। हम पूछते हैं महिलाओं पर अपराध हो रहे हैं, मुख्यमंत्री जी इसका जवाब कब देंगे, तो वही सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाला। अरे एक मूल समस्या की देखिए, मल्लुक जी कितने अच्छे अवतार में आ जाए, आज तो साधुवाद है इनको। मैं तो सच में ऐसा लग रहा है कि अयोध्या की मुख्यमंत्री जी फंस गए आप लोगों के बीच। देखिए 17वीं लोकसभा में 864 मुद्दे उठाने के बाद सबसे बड़ा सबसे ज्यादा मेरा रिकॉर्ड मेरे नाम है। मैं कह रहा हूँ कि कम से कम मेरे पार्लियामेंट की स्पीच और मुझ पर सर्च कर लो। ऐसा ही ऐसा बोलता था पर तुम्हें दिखाई आ दिया कांग्रेस। चलिए अब आप जवाब दीजिए, असल मुद्दे पेपर लीक का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, उन सबसे ध्यान हटाना है, इसीलिए ये ढिशुम ढिशुम करते रहो। हमने उत्तर प्रदेश में पहले जब ये अपनी सरकार में थे 2 एयरपोर्ट्स थे फंक्शनल, हमने 10 बना दिया, हम इस पर भी बात करेंगे। लेकिन अगर ये सोचते हैं कि उसके साथ साथ हम माफिया को छोड़ दें तो हम छोड़ेंगे नहीं। उत्तर प्रदेश में जब ये थे वहां पर बिजली का जो था मेगावाट प्रोडक्शन वो 56,000 था, हमने 88,000 कर दिया। लेकिन हम इस पर बात करने के साथ साथ सुरक्षा व्यवस्था पर बात करेंगे। अभी प्लीज रुकिए, अभी प्लीज रुकिए, इसके अलावा अगर अपनी बीच में अभी रुकिए, इसके अलावा हम जीडीपी पर भी बात करेंगे, हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर भी बात करेंगे, हम मैन्युफैक्चरिंग पर भी बात करेंगे, इसके अलावा हर एक चीज पर हम बात करेंगे। रही बात परीक्षा, रही बात परीक्षा की, 32 लाख परीक्षार्थियों ने अभी परीक्षा दी है उत्तर प्रदेश में, बिल्कुल एकदम कोई भी नकल कोई पेपर माफिया कोई नहीं आ पाया। उनके क्षेत्र में राजस्थान में अभी एक परीक्षा हुई थी इनके समय में, वहां पर जो पेपर लीक वाला व्यक्ति था उसको सलमान खुर्शीद जो है बचाने पहुंच गए, उसका बताइए क्या किया जाए। पेपर लीक आप ही के जो केंद्रीय मंत्री हैं वो लोग पेपर लीक वालों को बचा रहे हैं, उस पर जवाब दीजिए ना। हमने तो करा दी परीक्षा बिल्कुल सही तरीके से, लेकिन आपको भी करानी पड़ेगी। लेकिन इसके साथ साथ अगर आप ये सोचते हैं कि हम इनके माफियाओं पर बात नहीं करेंगे तो माफ कीजिए अनुराग भदौरिया, आपका जो एक्सटेंडेड परिवार है ना, आपके जो अतीक अहमद मुख्तार अंसारी जैसे 84 लोग है ना, हम इनको बख्शेंगे नहीं, इनको नहीं बख्शेंगे, कितना भी दर्द होता रहे इनको नहीं बख्शेंगे। इसी प्लैंक पर तो योगी फिर से जीत के आए ना, इसी प्लैंक पर वो जीत के आए ना। कानून व्यवस्था सबसे बड़ा मुद्दा बना और लोग ये मानते थे कि समाजवादी, हम लोग भी थे जिस दौरान विधानसभा चुनाव हो रहे थे, लोग ये मानते थे कि समाजवादी पार्टी के दौरान जिस तरह की कानून व्यवस्था थी उसको योगी ने बहुत संभाला है, सुधारा। आप में से कितने लोग उत्तर प्रदेश के हैं? ठीक है, काफी लोग हैं मुझे लगता है। आप में से कितने लोगों को लगता है कि कानून व्यवस्था योगी की राज में बेहतर हुई है पहले से? कितने लोग मानते हैं? जवाब दे लूं, हुई है कह रहे हैं बहुत अच्छी। कितने लोग मानते हैं कि बहुत अच्छी हो गई है? अब बताइए, समाजवादी 2027 सवाल है उत्तर प्रदेश के अंदर में, उत्तर प्रदेश के एक बार बोल लू मैं, बोलोगे तो जब जब ताली बज रही है ना यार, फालतू डिबेट के टाइम मजाक कर रहे हो यार। मैं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ उत्तर प्रदेश, बच्चे कह रहे हैं। अरे वो आपने सर्वे कराया है, आपको मुबारक है, मुझे बोलने दीजिए। ओहो हो गया सर्वे पर सवाल। अब मैं अपनी बात कह लूँ, मैंने कहा उत्तर प्रदेश के अंदर में जब से योगी सरकार आई है सबसे ज्यादा नकल माफिया पैदा हुए, पर्चे लीक सबसे ज्यादा इसी समय हुए, जो कमरों से लटकते थे सब भूल गए। सुन तो लीजिए, 63,000 महिला उत्पीड़न प्रत्येक साल इसी सरकार में हुआ है। सबसे ज्यादा इस सरकार के अंदर में अवैध निर्माण हुए हैं, सबसे ज्यादा रोडों के गड्ढे इसी सरकार में देखने को मिले हैं, और प्रभु राम के मंदिर में भी पानी टपका है। ये भ्रष्टाचार की सीमा रही है। बच्चों को ऐसा क्यों लगता है? मेरी बात तो सुन लीजिए, मैं पूछ रही हूँ आपसे, मतलब देखिए छवि भी बहुत बड़ी चीज होती है ना, छवि के शिकार एक और खड़े हैं। इधर हो जाए, मैं जवाब दूं। हां तो आप ही से पूछ रहे हैं, इनको बहुत बोलने का शौक है, आप बीच में ना। मेरा सवाल पूछ, सवाल ये है कि इन बच्चों को ऐसा क्यों लगता है, फिर ये आंकड़े हैं, ये नंबर्स हैं, आप सब गिना रहे हैं, इन बच्चों को ऐसा क्यों लगता है कि कानून व्यवस्था समाजवादी पार्टी के दौरान से बहुत ज्यादा बेहतर? बच्चे समझ गए हैं कि यहाँ पे क्या बोलना है, वोट देते टाइम हमें 43 सीटें देते हैं, इनको 33 देते हैं,
ये भी मान लीजिए आप, वोट हम ही देते हैं ये, तभी हम 43 सीट उत्तर प्रदेश के अंदर में जीते हैं, क्योंकि इनको पता है यही है जो युवाओं की बात करेंगे, रोजगार की, महंगाई की, शिक्षा की, किसानों की बात करने वाली समाजवादी पार्टी है। हमने लैपटॉप दिया, मेट्रो का सपना समाजवादियों ने उत्तर प्रदेश में दिखाया है। हमने यहाँ पे लैपटॉप लोगों को देख के एक्सप्रेस वे बनाए हैं, हमने मेडिकल कॉलेज बनाए, हमने पुलिस सिस्टम मजबूत किया है। इन्होंने क्या किया, हमारा 100 डायल को 112 कर देंगे, बस इतना करेंगे, उसका नाम बदल देंगे या नंबर बदल देंगे, ये इनका काम है, नाम और नंबर बदलना इनका काम है, काम सिर्फ समाजवादियों का। बोले 30 सेकंड के लिए कुछ बोलना चाह रहे। देखिए मैं तो एक बात कह रहा हूँ, भदौरिया साहब ने सीधा प्रश्न बच्चों पे ही लगा दिया कि ये इनका तो कुछ हो रहा है, वोट दिया मिलती है, समझ नहीं आ रहा क्या कहना चाहते हैं। हो गया, अरे सीधी सी अंजना जी सीधी बात है, 10 विधानसभाओं के चुनाव होने हैं, समाजवादी जीत गए, उसे जीतने के लिए दोनों तरफ से बात हो रही है, और जो विपक्ष आप की क्या कर रहे हो, जो विपक्ष की भूमिका तुम्हारी, तुम्हें बोलने से बंद कर रहा हूं, जो भूमिका होनी चाहिए, जो विपक्ष की भूमिका होनी चाहिए, जहां सरकार के काम में कमी है, जिन बिल में अमेंडमेंट होना है, किसानों को जो सुविधा चाहिए। अच्छा इधर सुनिए, इधर सुनिए, अरे कुछ आप सांसद जी, पूर्व सांसद जी, कुछ अंदर की बात बताइए। आप तो मायावती जी को छोड़ दिए, बीएसपी से आप सांसद थे, क्या हुआ, 10 सीट पर वो भी अपना उम्मीदवार खड़ा कर रही है मायावती जी, अब आप आ गए हैं आरएलडी में, लेकिन उनकी क्या पॉलिटिक्स है, थोड़ा समझाइए अंदर से, आप तो इतने साल से उनके साथ काम कर चुके हैं। मैं तो 10 सीट पर वो कैंडिडेट खड़ा कर रही है, क्या सोच? मैं तो एक ही बात, पहले उपचुनाव नहीं लड़ती थी। देखिए मैं तो एक ही बात जान रहा हूँ कि बसपा में था, पूरी आस्था थी, ढंग से बात रखता था। आज लोकदल में हूँ, और लोकदल में चौधरी चरण सिंह जी की पार्टी, चौधरी जैन जी, जो समाजवादी की शुरुआत उनका आशीर्वाद लेके हुई है, तो जहां पे चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा रहेगी वहां 100% मजबूती होगी, क्योंकि किसानों के वो साथ हैं, रहेंगे। तो ये अंदर से हमारे साथ मायावती जी पर बोलने से बच रहे हैं। नहीं नहीं अंजना जी, अंदर से अंजना जी, अंजना जी अंदर से हमारे साथ शारीरिक रूप से उधर, बस इतनी सी बात है, वो सारे तो वोट तो शरीर ही देगा भाई, अंदर से आप ही रख लो, अंदर से हमारे साथ रहे तो आप अपने साथ अंदर। मायावती जी भी 10 सीट पर लड़ रही है, आप लोगों के साथ गठबंधन हुआ नहीं है, तो आप ही लोगों को खामियाजा होगा, एंटी बीजेपी वोट्स बटेंगे। तो दिख गया अभी लोकसभा के चुनाव में कितना वोट मिला, ये उत्तर प्रदेश ने देख लिया, 44 सीट भारतीय जनता पार्टी हारी। अच्छा है बच्चों को अगर असुरक्षा का भाव उत्तर प्रदेश में नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की बड़ी नेता और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वो क्या कह रही है, बेबी रानी मौर्य, बेटियों को लेके 5 बजे रोड तो छोड़ो, उत्तर प्रदेश के थाने भी मत जाना, वो सुरक्षित नहीं है, वो कह रही है। राम दुलार गोंड भारतीय जनता पार्टी का विधायक, 25 साल का कारावास हुआ है बलात्कार में। कुलदीप सेंगर, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि 8 महीने तक लड़की दर दर की ठोकरें खाती रही है, कोर्ट कह रहा है, मुख्यमंत्री को आवेदन देने के बाद 8 महीने तक उसकी FIR दर्ज तक नहीं हुई। हाथरस में रात के अंधियार में बेटी को पेट्रोल डालकर जला दिया, हिंदू संस्कृति संस्कारों के हिसाब से उसके अंतिम संस्कार का अवसर भी नहीं दिया, यह उत्तर प्रदेश बना दिया आदित्यनाथ जी ने। और किस मुंह से वो कहते हैं कानून का राज है, माफियाओं को मुक्ति, कुछ नहीं है, सिर्फ सत्ता की भूख मिटाना चाहते हैं, हर बात में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण, इसके अलावा कोई समाधान इसके पास नहीं। इसका सबक उत्तर प्रदेश ने सिखा दिया लोकसभा के चुनाव में, 10 सीट हार रहे हैं। आप याद रखिए, अब आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे इस उपचुनाव के बाद, और उसके बाद ये सरकार की। छोटे-छोटे सवाल जल्दी से, जब योगी जी क्रिमिनल के अगेंस्ट एक्शन लेते हैं तो फिर अखिलेश जी को क्या प्रॉब्लम होती है, जवाब बता रहा हूँ। देखिए उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का बता रहा हूँ ना, भारतीय जनता पार्टी की हालत यह है, कर्नाटका में इनके विधायक रेप के मामले में, इनके इन रमन्ना के लिए जिनके पास 2223 महिलाओं को अत्याचार करने का आरोप, उनके लिए वोट मांग रहे थे प्रज्वल रमन्ना के लिए, और कुलदीप सेंगर के बारे में बोल नहीं पाएंगे, राम दुलारे गोड़ के बारे में बोल नहीं पाएंगे, ये वो लोग हैं जो महिलाओं पर अत्याचार करने वालों में भी धर्म खोजते हैं, धर्म के नाम पे बात करते हैं ये, हम कहते हैं हिंदू अगर महिला के साथ, ये कह रही है जवाब नहीं मिला, कहानी चल गई कहीं और, वही रटा रटा जो टेप है आपका, अरे वो पूछ रही है आपसे कि माफियाओं के खिलाफ एक्शन लेते हैं तो आप लोग क्यों इतना भारतीय जनता पार्टी जवाब दीजिए ना कि नहीं करते, माफिया बोल दे नौकरी चली जाएगी, एक मिनट रुकिए, माफियाओं के खिलाफ एक्शन ले कर रही है, मैं जानना चाहता हूँ किस माफिया के खिलाफ एक्शन लिया आज तक, मैंने तो नाम लिया, क्या इन्होंने एक्शन लिया लखीमपुर खीरी में, एक मंत्री के बेटे ने 3 लोगों को रोन दिया, मौत होगी उनकी, एक्शन लिया बोलिया इनसे, कुलदीप सेंगर लगातार ये बताते रहे, हाई कोर्ट के मामले आज जब वो इंटरफेयर किया तब जाके ये झुके जाके, क्या इन्होंने पहलवान महिलाओं पे अत्याचार करने का आरोप लगा, आपने लिया एक्शन, नहीं लिया, लिया नहीं लिया, क्या लिया, क्या लिया बता, नहीं आपने बताया यहां पे क्या लिया, इधर हेलो उधर, थैंक यू गायत्री प्रसाद, यही तो दिक्कत है, वो हमारी तरफ से कुलदीप सेंगर जो मामला है उसमें वो जेल में है, नहीं
उसके अलावा लखीमपुर में जो मामला नहीं है, जो मामला है जेल में, क्या का मामला है, वो जेल से क्या मामला, वो जेल में परिवार खत्म हो गया, वो क्या का मामला है, एक गजब आदमी है भैया, अरे पूछो बोल, नहीं मामला है, गजब है मामला जी, कुलदीप सेंगर के विषय में जो भी बलात्कार का मामला है वो जेल में है, सुनिए क्या मामला है, इसके अलावा लखीमपुर खीरी में जो हुआ वो उस कांड में जेल में है, लेकिन प्लीज आप इनको बीच में मत बोलिए, लेकिन 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 मत बोलिए, लेकिन कांग्रेस के नेता जम्मू कश्मीर के लाल सिंह जो बलात्कारियों के समर्थन में रैली करते हैं वो चुनाव लड़ रहा है और राहुल गांधी के बराबर में खड़ा रहता है, सवाल पूछे इनसे, सवाल पूछे इनसे, चुनाव लड़ रहा है बलात्कारी चुनाव लड़ रहा है, अब बोलेंगे नहीं, अब बोलेंगे अभी जमाने से अभी तो इतना लंबा लंबा बयान दे रहे थे, सवाल पूछ लिया तो चुप हो गए, महिलाएं कैसे सेफ रहेंगी जब बलात्कारी को चुनाव लड़ाएगी कांग्रेस, तो बताइए आप, इसके अलावा अगर और मैं आगे बात करूं किसी भी विषय में देख लीजिए, बंगाल में जो हुआ, इतनी देर से ये बलात्कार पर बात कर रहे हैं, मैं सेलेक्टिवली नहीं जाना चाहता, अच्छा। लेकिन बंगाल में जो हुआ एक भी शब्द निकला क्या अनुराग भदौरिया, बोला बोला मैंने, एक बार नहीं बोला अभी तक आपने, एक बार नहीं बोला आपने, अब आप मैंने बोला, छोड़ दीजिए, गलत हुआ, छोड़ दीजिए, आप भी बोलो, संदर्भ खाली के विषय में भी एक बार नहीं बोला, मैं तो डंके की चोट पे बोला, क्या बोला बताइए, क्या बोला, चोट पे क्या सवाल लेते हैं, क्या बोला, चोट को उसको सजा मिलनी चाहिए, उसको फांसी की सजा मिलनी चाहिए, क्या होता है, गलत क्या होता है, आप तो खड़े हुए गए, क्यों नहीं, जबलपुर में जो हुआ फांसी की सजा मिलनी, आप बोलो जो शो खत्म होने जा रहा है, क्या बोलिए, बोलिए सजा मिलनी चाहिए, महाराष्ट्र का मान ही निकलेगा अभी, बिल्कुल हर जगह मिलनी चाहिए, महाराष्ट्र का मान ही निकलेगा। मेरा प्रश्न विपक्ष से है, जब भी कुछ होता है आप लोग लेके आ जाते हैं कि योगी सरकार में ये हो रहा है, बेटियां सुरक्षित नहीं है और हमें रोजगार नहीं मिल रहा है, पहले आप ये बताइए आपके टाइम पे कितना रोजगार आप लोग देते थे, इतनी चीटिंग्स हुआ करते थे और कुछ भी, आप लोग बंगाल पे क्यों नहीं बोलते, आप सर आप बोलते थे हम ट्वीट लेकर आ रहे हैं, हमने इस पे बोला, इस पे आपने ट्वीट ट्वीट किया दिखाया लेकर आए, आप लेकर आए, बंगाल पूछ रही है वो बिल्कुल बंगाल के भाई, शो खत्म हो गया है, एक बार आपके मुंह से कोलकाता नहीं निकला, मैं बता रहा हूं, मैं लगातार कोलकाता बोल रहा हूं, ये क्यों नहीं बोलते, मोदी सरकार ने मेरा क्वेश्चन बहुत सिंपल है, जल्दी जल्दी सर, अंजना जी से आप लोग बस कीजिए, बस कीजिए, मैं बता रही हूँ, सड़क पे गुजरिएगा ना, लुकेंगे ये भाई जो टीवी पे लड़ते हैं, बीच में प्लीज अंजना जी चुप हो जाइए, मजाक बना दिया आप लोगों ने, पूरी मर्यादा खत्म कर दी है पब्लिक लाइफ की, तो उनको बोलिए, आपको भी बोलूं, मैं आपकी तरफ देख के बोलूं, हमारे तरफ देख के अनुराग भदौरिया, अनुराग भदौरिया कर रहे हैं, बताइए मैं क्या आवाज देखिए, आप तो सही में सर बहस करने लायक नहीं, आप इतना चिल्लाते हैं आपको समझ नहीं आता, सड़क पे लोग कहते हैं, अरे जो अनुराग भदौरिया को आप बुलाती है क्यों बुलाती है, मुझसे लोग पूछते हैं, क्योंकि आवाज तेज है, इट्स अ जेन्युइन कंसर्न, अरे मुझे प्लीज पब्लिक डिस्कोर्स को ऐसा मत बनाइए, सड़क पे लोग बोले कि आप लोग चीखने वाले लोग हैं, बारी बारी से बोलिए, मैं किसको कब मौका देता हूं, छोटे छोटे सवाल सर, आप सबसे एक ही क्वेश्चन है कि आप सिंगर जी बोलते हैं, आप इनको ब्लेम करते हैं, सर आप लोग के पास कोई भी पॉलिसी है विमेन सेफ्टी के लिए, कुछ नहीं है इनके पास, सब एक पार्टी हाथ नहीं खड़ा कर सकती जिसने टिकट ना दिया हो बलात्कार के आरोपी को, एक पार्टी हाथ नहीं खड़ा कर सकती, हमने नहीं दिया, अरे गायत्री प्रजापति कौन है भाई साहब, लाल सिंह कौन है जिसने जिसने समर्थन किया, जेल में समर्थन किया अंजना जी, हमने नहीं दिया, आरोप लगने के बाद अखिलेश यादव ने उनके लिए रैली की थी, उस रैली को मैंने कवर किया था, इसे झूठ मत बोलिएगा, ये बीजेपी वाले झूठ बोलते हो, शर्माते भी नहीं है, क्या की सर, सर आपसे मेरा सवाल है, आपने अभी यहाँ पे कहा कि हम 84 लोगों की जो लिस्ट है उस पर एक्शन लेंगे, जो माफिया है, सर मैं उसी 84 माफियाओं में से मैं कह रहा हूँ सर, ब्रिजभूषण सिंह है और धनंजय सिंह है और ब्रिजेश सिंह है, क्या आप उन पे भी एक्शन लेंगे कि नहीं लेंगे, फिर झूठ पर ताले बजा रहे हैं, लिया बताइए, फिर झूठ पर ताले, अरे प्रचार कर रहा था अंजना जी, अरे मेरे को भी अनुराग भदौरिया वाली लिस्ट में डाल दीजिए, इनको बोलिए रुक जाए, बेचुदा ब्रजेश सिंह प्रधानमंत्री जी के लिए प्रचार कर रहे थे वाराणसी में, मैं वाराणसी चुनाव में था, ब्रजेश सिंह प्रचार करने आए थे, बिल्किस बानो के बलात्कार के 11 अपराधियों को जाला पहना इन्होंने माला, उनसे प्रश्न है, एक बच्ची उसकी बिटिया को पटक के मार डाला, अमित शाह साहब ने प्रस्ताव पारित कर दिया कि ये 11 बलात्कारी सजा के पहले छोड़े जाएंगे, बिटिया के बलात्कारियों को छोड़ते हैं, बोलेंगे लगातार करते हैं, मैं इनके ऊपर बोल सकता हूं, आवाज अच्छी है मेरी, थैंक यू, धनंजय सिंह को इसी प्रदेश में जेल हो गई थी बाकायदा, हाई कोर्ट से निकल कर आए वो, एमपी एमएलए कोर्ट ने उनको जेल करार किया और उन पर एक्शन हुआ,
और अगर इसके अलावा भी बात करें तो ब्रजभूषण सरन के मामले में भी कमिटियां बनी, चीजें काम हुई, लेकिन आप इनसे पूछिए ना बाकी ऊपर क्या करते हैं ये। अच्छा, और हम जाति धर्म नहीं और चौरासी की लोगों ने बात की, उन चौरासी में भी हर जाति है, हमने जातियां नहीं देखी, हमने जातियां नहीं देखी, लेकिन वो जातियां जरूर देखाना बढ़िया। मैं खुद ऐसा ही परीक्षा का प्रतिभागी था, वहां मेरे सामने सर उस पेपर की सील खुली हुई आई थी और हमने जब वहां आवाज उठाई तो हमें मार के बैठा दिया गया और हमें इतने टाइम से हम उस पेपर की तैयारी कर रहे थे सब इंस्पेक्टर की और 800 की 829 सीटें बिकी हुई थी सर पहले से। तो सर मेरा आप इस पे सवाल है, इस पेपर लीक पे आप बताइए कांग्रेस सरकार के समय ऐसा क्यों हुआ सर? गहलोत सरकार थी उस वक्त, जवाब दीजिए। बिल्कुल, ये गंभीर मसला है, इस पर हम चाहते हैं पारदर्शी, इस पर हम खेद जताते हैं, बहुत गंभीर मसला है, हम इस पर खेद जताते हैं। चलिए इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हल्ला बोल में हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। लेकिन यूपी की सियासत 10 सीटों के उपचुनाव तक और बल्कि विधानसभा चुनाव तक ऐसे ही चलती रहेगी। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।